फाइनली कल गोकुल धाम पूरा हो जाएगा। पूरा? ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब, एक दिन में सोसाइटी के रिनोवेशन का काम पूरा कैसे हो जाएगा? हाँ बड़ी। नहीं नहीं पोपटलाल, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। गोकुल धाम पूरा हो जाएगा मतलब गोकुल धाम के सभी मेंबर कल उपस्थित होंगे। कच्चे सब लोग वापस आ रहे हैं ना कल? ये बराबर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे है तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। हाँ, और आने के बाद ये देखकर बहुत खुश होंगे कि फाइनली रिनोवेशन का काम गोकुल धाम में शुरू हो गया है। तो भाई बड़े संसदीय भाषा में ऐसे बोलो ना कि कोरम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो भाई इसी खुशी में एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। वैसे पोपटलाल तुम्हें कॉफी पीने के लिए खुशी की क्या जरूरत है, जब जाओ पियो। क्या मेहता साहब आप भी। और अंजलि भाभी, अगर कॉफी के साथ कुछ नाश्ता नमकीन वगैरह हो जाए तो मजा आ जाएगा। कोमल भाभी। हंस। अरे कोमल। क्या कोमल भाभी, आप भी। हाथी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो गर्मा गर्म कॉफी के साथ नमकीन नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। और कॉफी, अंजलि आज करेले का जूस नहीं पिला रही। हाँ आइए ना। मेरे ख्याल से अभी जेठाल वगैरह ट्रेन में बैठ गए होंगे। नहीं मेहता साहब, जरा फोन करके पूछिए ना प्लीज। क्या यार, वेरी गुड आइडिया भिड़े। अभी फोन लगा के पूछता हूँ जेठालाल को कि भाई भिड़े सुंदर के बारे में पूछताछ कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फोन लगा के पूछता हूँ ना भाई, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। अरे यार लकी यू भिड़े, जेठालाल का फोन तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। मैं सोडी को फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ मेहता साहब बोलिए। क्या हुआ सोडी, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? मेहता साहब यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है, हम लोग सारे यहाँ बीएसएफ कैंप में आए हैं। क्या गड़बड़ हो गई है सोडी? ओ मेहता साहब, आज हम लोग ऊंट की सवारी के लिए निकले थे और पता नहीं कैसे जेठा अपना ऊंट के साथ गुम हो गए। क्या, क्या, फिर से बोलो सोडी, क्या हुआ? अदा, अदा। हाँ बेटा। अदा, अदा। आंजो चुन्नू अच्छी हो। वाह साहब, चुन्नू मिल गया, चुन्नू मिल गया साहब, चुन्नू मिल गया। पापा! मैं साहब, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। छोड़ी नहीं है चाचा जी, जेठा प्रांगे देख नहीं रहा। चलो चलो अंदर जा, चलो अंदर। आधा ये रहे। अरे तेरे आधा नहीं भाई, इसके आधा, इसके पापा। हाँ भाई, जेठालाल जो ऊंट के ऊपर बैठा था। पर ऊंट तो अकेला आया। बेटा ऊंट किस तरफ से आया था? ऊंट तो पाकिस्तान की सरहद की तरफ से आया। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंट जेठालाल को लेकर पाकिस्तान चला गया? अरे उपाध्याय साहब, तुझे फौरन पाकिस्तान की तरफ जेठा प्रांगण को ढूंढो। सैनिक भाई चलिए, हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। देखिए रुकिए रुकिए, आप लोग एक मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हमें सिर्फ शक है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो उस तरफ गई ना हो, हमें पहले कंफर्म करने दीजिए। चौहान। यस सर। जल्दी कुछ करो। पाकिस्तानी रेंज ऑफिसर मुदस्सर से बात करवाओ। जी सर। हेलो पाकिस्तान बॉर्डर, हाँ हमारी बात कराइए जरा सर से। जनाब। हाँ कुरैशी बोलो, कुछ बताया उसने? जी नहीं जनाब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक ही बात की रट लगा रखी,
लगता है बहुत शातिर है। अगर आप कहें तो खातिरदारी और बढ़ा दी जाए। जनाब, कहो। हिंदुस्तान की बीएसएफ से कमांडेंट साहब का फोन है। हेलो। कहिए जनाब उपाध्याय साहब, मुदस्सर जमाल बोल रहा हूँ। मुदस्सर साहब सलाम, कैसे हाल है? अभी तक फ्री थे लेकिन आपकी दुआ से फिर बिजी हो गए हैं। बताइए कैसे याद किया? मुदस्सर साहब, हमारे रणोत्सव से एक नागरिक ऊंट की सवारी करते शायद सरहद पार आ गया है। सही फरमाया आपने मिस्टर जेठालाल, भोली भाली शक्ल वाला अजीब सी मूंछों वाला जासूस भेजा है, जिसकी शर्ट पर ट्रांसमीटर भी लगा है। ट्रांसमीटर? उसकी शर्ट पर पतंगे और फिरकियां हैं। देखिए मुदस्सर साहब, वो शर्ट की डिजाइन है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उपाध्याय साहब, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आपके जासूस से पूछ-पूछ कर रहे हैं। सच्चाई का पता तो जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा। खुदा हाफिज। मुदस्सर साहब, मुदस्सर साहब। शांत हो जाइए, सुनिए। अरे उन्हें बोलने दो। हाँ जी, चाचा जी। देखिए हमारा शक सही निकला है, जेठालाल पाकिस्तान में। जेठालाल पाकिस्तान में। देखिए ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। लेकिन क्यों? वो लोग उन्हें जासूस समझ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पापू जी अब क्या करेंगे? वो लोग तो टप्पू के पापा को जासूस समझ रहे हैं। देखिए अब, अरे आप उन्हें कहिए कि मेरा बेटा जासूस नहीं है, अरे वो तो सीधा साधा व्यापारी है। आप उन्हें फोन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जल्दी से टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम, हर देश का अपना कानून होता है और पाकिस्तान एक अलग देश है, उसका अपना अलग कानून है। हम जानते हैं कि जेठालाल जी जासूस नहीं है, पर वो लोग शक के आधार पर तहकीकात कर रहे हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं वो लोग उन्हें जासूस साबित न कर दे। सर, अभी जेठा प्रा को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए अब हमें जेठालाल को छुड़ाने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कुछ उनके फोटोग्राफ्स या डिटेल्स हैं तो हमें दीजिए प्लीज। मेरे मेरे मोबाइल में है, ये देखिए। शर्मा सर, जल्दी से जाकर इसके प्रिंट आउट निकाल के लाओ। और हाँ, हमारे जवानों को इन्फॉर्म कर दो कि जेठालाल को ढूंढना बंद करें। सर एक्सक्यूज मी। आप लोगों को ये लीगल प्रोसीजर खत्म होने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते? ये कैसा जवाब दे रहे हैं आप? अभी के अभी टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है, हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी, उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है सैनिक भाई, आप अपना फर्ज निभाइए। एक पत्नी अपना फर्ज निभाएगी। टप्पू के पापा को छुड़ाने के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगी। पाकिस्तान जाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे हम सब जेठा प्रा को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे।
आराम जाना इतना आसान नहीं है। देखिए हम आप लोगों का दुख समझते हैं, लेकिन इस तरह जज्बात में आकर आप कोई काम मत कीजिए। आप पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकते। इन हालातों में आपका उठाया गया एक भी गलत कदम जेठालाल को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा, उनकी और तकलीफें बढ़ा देगा। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पापा को प्रॉब्लम हो। बिना मैं हाजी पीर से दुआ करूंगा कि आपका पति जल्द से जल्द वापस आ जाए। सोडी का फोन लग गया। हेलो सोडी। मैदद अब सॉरी, हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं आपको फोन ही नहीं कर पाया। अरे सोडी कहाँ हो तुम, मैं फोन लगा लगा के परेशान हो गया हूँ भाई। जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तुम्हें इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ सारे लोग चिंता में है। कहाँ है जेठालाल? पाकिस्तान में। क्या मजाक कर रहे हो सोडी? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे मेहता साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, जेठा प्रा पाकिस्तान पहुँच गया। सोडी क्या हुआ क्या, जरा बताओ मुझे। मेहता साहब अभी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। सोडी मैं फिर से फोन लगाता हूँ तुम्हें। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठा भाई पाकिस्तान में? मेहता साहब आपने ठीक से तो सुना ना, वो राजस्थान तो नहीं बोला? कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी, मैं इस तरह की बात ध्यान से नहीं सुनूंगा। अरे सोडी ने सब कुछ डिटेल में बताया कि क्या हुआ, जेठालाल सचमुच पाकिस्तान में है। अरे मेहता साहब अभी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जेठालाल ऊंट पे बैठा और गुम हो गया, पर अचानक पाकिस्तान कैसे चला गया? हाँ भाई पोपटलाल उसी ऊंट की वजह से है जेठालाल पाकिस्तान में। ऊंट की सवारी कर रहे थे कि इतना चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान, अब ऊंट को क्या पता चला गया सरहद पार। कैसे शक है सरहद पार करके कैसे जा सकता है? अब जानवरों को तो सरहद का पता नहीं होता ना, ये सरहद नाम की चीज तो इंसान नाम के जानवर ने बनाई है, और ऊपर से ये कि जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम लगा है। पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में। सही बात है। क्या पोपटलाल भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जेठा भाई को। जेठा भाई को ऊंट पे बैठने की जरूरत ही क्या थी? या अल्लाह जेठा भाई को सलामत रखना। मैं एक मिनट सोडी को फिर से फोन लगाता हूँ। हाँ सोडी एक मिनट दया भाभी को फोन देना। हाँ मेहता साहब एक मिनट। दया भाभी जी मेहता साहब का फोन है। हेलो मेहता साहब, पाकिस्तानी सैनिक भाइयों ने टप्पू के पापा को जासूस समझकर पकड़ लिया है। हाँ दया भाभी मुझे पता चला, प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करना। क्या चिंता ना करूं, आप तो टप्पू के पापा के फायर ब्रिगेड हो, आप हमेशा उनकी मदद करते हो। दया भाभी इस वक्त आपको हिम्मत रखनी चाहिए और टप्पू और चंपक चाचा को भी हिम्मत दीजिए प्लीज। हाँ। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। आप लोग इस वक्त है कहाँ मुझे ये बताइए। हम लोग भुज में है। ठीक है मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के भुज पहुँचता हूँ। हाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ। तारक मुझे फोन दीजिए ना प्लीज, मैं लैपटॉप पे चेक करता हूँ। हेलो दया भाभी देखिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हेलो दया भाभी देखिए भगवान है ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दया भाभी। हाँ और दया भाभी हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। ओके। हाँ दया भाभी। दया मेरा दिल कहता है कि जेठा भाई जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंजलि एक मिनट फोन देना प्लीज। हाँ एक मिनट। हाँ दया भाभी मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की मैं उसे पहुंचता हूँ, और प्लीज आप चिंता मत करना सब कुछ ठीक करेगा भगवान। ओके ठीक है।
माता जी टप्पू के पापा का ध्यान रखना। अभी अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो। मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें मैं टीवी फ्रिज मोबाइल ये सब बेचता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जासूसी फिल्म देखने का शौक रखता हूँ। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, गोपीचंद जासूस, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बस सब सच बता दिया, मुझे अभी मिलवा दीजिए मेरी फैमिली के साथ। मिलवा नहीं सकते तो कम से कम फोन पे बात तो करवा दीजिए। इस भोले भाले मासूम से चेहरे के पीछे एक बहुत ही शातिर जासूस छिपा है। इससे इसकी असलियत उगलवाने का अब एक ही तरीका है। कुरैशी, जनाब, डाल दो इसे सलाखों के पीछे। चाचा जी, आप आराम से बैठ जाइए। आपके लिए कुछ चाय वाय मंगाएं? नहीं, जब तक मेरा जेठिया वापस नहीं आ जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। चोट अगर दाएं हाथ को लगे तो दर्द बाएं हाथ पे नहीं होता, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन विज्ञान की परिभाषाएं रिश्तों पे लागू नहीं होती। जब आपका अपना कोई मुसीबत में हो ना तो दर्द हृदय में होता। मेरे परम मित्र जेठालाल और दया भाभी, कच्छ में कितना आनंद किया, साथ साथ घूमे, साथ साथ गरबा खेले, हमेशा साथ साथ रहने वाले दया भाभी और जेठालाल, और अचानक कैसे बिछड़ गए? किसी ने ठीक कहा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। जो हमेशा हर दुख में साथ रहे, ये पहली बार ऐसा दुख आया है जब दोनों साथ में नहीं है। जब अपना कोई दूर होता है, अपना कोई बिछड़ता है, तो उसके कष्ट का अनुभव वही कर सकता है जिसका कोई अपना दूर हुआ हो, अपना कोई बिछुड़ा हो। मैं जब कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से गुजरता हूँ, आसपास गुमशुदा लोगों की तस्वीर लगी होती है, लोग बाग ऐसे निकल जाते हैं उनकी तरफ बगैर ध्यान दिए, संवेदनहीन होके। जब कोई अपना बिछुड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है, और मैं जानता हूं इस वक्त पूरा गड़ा परिवार बेहद परेशान है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि जेठालाल गुम हो गए हैं। भाई जेठालाल जरूर अभी दया भाभी से बिछड़ गए हैं, लेकिन हंसी हम आपके चेहरों से नहीं बिछड़ने देंगे। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। लेकिन क्यों? वो लोग उन्हें जासूस समझ रहे हैं। जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम? अरे देवा, जासूसी का इल्जाम मतलब कम से कम 10-15 साल की कैद? अरे भाई भिड़े, 10-15 साल बहुत कम बोल रहा है, पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में। मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की, मैं उसे पहुंचता हूं। अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो।
मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। इससे इसकी असलियत उगलवाने का अब एक ही तरीका है, डाल दो इसे सलाखों के पीछे। हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। हेलो हाँ मिस्टर जेठालाल की फाइल हमने आगे भेज दी, लेकिन अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जी हाँ, उनकी फैमिली अभी यही है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हो मुझे तुरंत दीजिए। ठीक, ओके। मम्मी मम्मी फिक्र मत करो, पापा जल्दी आ जाएंगे। मुझे ऐसा पूरा माँ पर पूरा विश्वास है, वो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे, वो सलामत लौट आएंगे। सपुरा माँ, अब टप्पू के पापा का ध्यान आपको ही रखना है। हे भगवान, हमारे जेठा भाई इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं, उनकी रक्षा करना। हे ईश्वर, मेरा मित्र मुझे फायर ब्रिगेड कहता है और अपनी हर समस्या के निदान की अपेक्षा मुझसे करता है, और ये तूने किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया ईश्वर, जहाँ बिल्कुल असहाय हो गए हैं हम। अब तो सारी मुसीबत और परेशानियों की लगाम आप ही के हाथ में है ईश्वर, मेरे मित्र की रक्षा करना। खबरदार जो सोने की कोशिश की। मैं चाहकर भी नहीं सो सकता साहब, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। खामोश जनाब, बुद्ध सर का हुक्म है, बिल्कुल सोने ना दिया जाए। सलाम वालेकुम मियां। सलाम भाई, सलाम। हिंदुस्तानी हो? हाँ। बॉर्डर पार करते हुए पकड़े गए? हाँ। कहाँ रहते हो? कच्छ में। तुम कच्छ से यहाँ आते हुए पकड़े गए और हम यहाँ से कच्छ जाते हुए पकड़े गए। तुम भी कच्छ रहते हो? नहीं, हमारी खाला कच्छ में रहती है, हम तो उनकी बेटी की निकाह पर शरीक होने जा रहे थे और इसकी वजह से बॉर्डर पे पकड़े गए। क्यों, क्या किया इसने? अरे ये वहाँ सरहद के तार चुराने लगा। ओ, तुम यहाँ किसके निकाह में आ रहे थे? किसी के नहीं भाई, मैं तो उधर कच्छ में रणोत्सव चल रहा है उधर फैमिली के साथ घूमने आया था। मस ऊंट पे घूम रहे थे, अचानक मेरा ऊंट कब सरहद पार करके इस तरफ आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और ये लोग ने मुझे जासूस समझ के पकड़ के इधर डाल दिया। ओ, कच्छ में कहाँ रहते हो? नहीं, कच्छ तो मेरा वतन है, मैं रहता हूँ मुंबई में। मुंबई में? भाईजान आप मुंबई में रहते? हाँ। अब भाई मुंबई में कहाँ रहते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, फिल्म सिटी रोड। फिल्म सिटी? अरे भाईजान, फिर तो भाई आप इन तमाम एक्टर्स को जानते होंगे। हाँ, वो सलमान खान भाई, अजय देवगन भाई, जॉन अब्राहम भाई, तो सबको देखा है, हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं। अरे माशाल्लाह मियां, माशाल्लाह, क्या बात है, आप तो बड़े नसीब वाले जनाब, क्या बात है। भाईजान भाईजान, आपने और किस किस एक्टर को देखा है? ऋषि कपूर जी, नीतू सिंह जी, वो भी हमारी सोसाइटी में आए थे।
अरे ये तो अपने रणबीर मियाँ के अब्बू और अम्मी है। हाँ वही सेम सेम। अरे अली मियाँ मुकद्दर है भाई का। वैसे आपको पता है भाईजान, हमारे जो वालिद है ना वो राज कपूर साहब और देव साहब के बहुत बड़े मुरीद हैं। अभी जब देव साहब का इंतकाल हुआ ना, हमारे अब्बू तो बस टूट से गए। खुदा जन्नत बख्शे उन्हें। आमीन। वैसे हमारे फेवरेट ना वो हैं शाहरुख खान। अरे मियाँ मेरा फेवरेट हीरो है अमिताभ बच्चन। हाँ? अरे वाह मेरे भी। अरे क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह है अली मियाँ। मुकद्दर है भाई का। अच्छा भाई जान एक बात बताइए, आपने शाहरुख मियाँ को देखा है? हाँ देखा है। कहाँ? टीवी पे। अली मियाँ मजाक करते हैं भाई। बेगम। क्या हुआ मियाँ? मुझे बेगम की याद आ गई। लाहौल बिला खबर, मेरी बेगम की याद आपको कैसे आई? नहीं नहीं आपके नहीं, मुझे मेरी बेगम की याद आई। ओके मियाँ, अब तो आपको अपनी बेगम अब्बू और बच्चों की याद में दिन यहीं गुजारने पड़ेंगे। क्या मतलब? इनको जब किसी पर जासूस होने का शक होता है तो कार्रवाई लंबी चलती है। मतलब ये लोग मुझे यहाँ कितने दिन तक रखेंगे? कितने दिन नहीं मियाँ, ये पूछो कितने साल रखेंगे। मियाँ हो सकता है बुढ़ापा भी यहीं गुजारना पड़ जाए। हे भगवान, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो प्लीज। अरे भाई तुम मायूस हो गए। अरे कादर भाई कुछ तड़कता भड़कता गाना सुनाइए। अरे अली मियाँ आपने भी बजा फरमाया हा? ऐसे ही मातमी माहौल के लिए तो हथियार बसा है। अली भाईजान, मोबाइल? अरे इसके पास तो मोबाइल है। थैंक यू भगवान आपने मेरी सुन ली, अभी मैं दया बापूजी टप्पू सबसे बात कर सकूंगा। ये लीजिए भाईजान। भाई अली भैया बहुत कमाल हो गया भाई। कादर भाई एक रिक्वेस्ट करो। अरे हाँ हाँ कहिए ना भाईजान, आपकी फरमाइश का गाना भी बजा देते हैं। नहीं नहीं गाना नहीं, अभी गाना नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपके मोबाइल से मैं एक मिनट अपनी बेगम के साथ बात कर सकता हूँ। नहीं अरे मियाँ इसमें ISD नहीं है। अरे अली मियाँ अभी जब हम कच्छ जा रहे थे ना तो मैंने इसमें ISD डलवाई है, तो आप बात कर सकते हैं भाईजान। ये लीजिए। थैंक यू कादर भाई थैंक यू। अरे मोहसिन भैया आप भी हैं। वो तो जासूस नहीं है। नहीं जासूस नहीं है तो ये मोबाइल कहां से आया तेरे पास? बता क्या खबर पहुंचा रहा था हिंदुस्तान? नहीं नहीं मैं कोई खबर नहीं पहुंचा रहा था, मैं तो अपनी फैमिली की खबर जानने के लिए फोन कर रहा था अपनी बीवी को। तेरा एक फोन तो हमने पहले ही ले लिया था, ये दूसरा फोन कहां से आया? बोल। अच्छा तो ये तेरा मोबाइल है? जी हुजूर था, अब आपका है। माफी हुजूर, आइंदा नहीं होगा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। जनाब नादान है, माफ कर दीजिए।
सॉरी सॉरी कादर भाई, मेरी वजह से आपका फोन गया। अरे सॉरी तो हम कहते हैं आपको, आपकी आपकी बेगम से बात नहीं हो पाई। बेचारी दया, बापूजी, टप्पू सब मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। मित्रों दुख की परिभाषाएं शायद सबके लिए अलग अलग होती हो, लेकिन एक दुख ऐसा है जो मेरे ख्याल से सबके लिए सबसे बड़ा है, अपनों से जुदाई। जब कोई अपना अपने से जुदा होता है तो शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। क्रिकेट में अगर स्टेडियम के बाहर बॉल चली जाए तो कहते हैं कि भाई ये तो सबसे लंबा सिक्स हो गया, लेकिन मेरे मित्र जेठालाल के जीवन में शायद सबसे बड़ा दुख इस वक्त ये है कि वो भारत की बाउंड्री, भारत की सीमा से बाहर पाकिस्तान में, वो भी जेल में, और ऊपर से जासूसी का इल्जाम। एक मिनट के लिए आप और हम स्वयं को जेठालाल की जगह पर रख के देखें तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। भाई ऐसी स्थिति में भगवान किसी को न डाले, दुश्मन को भी ये बद्दुआ हम कभी न दें कि ऐसे हालात हो जाए। इस वक्त वक्त की बहुत बड़ी मार पड़ी है जेठालाल पे और चिंता के भंवर में डूबी हुई है दया भाभी। लेकिन हम लोग सरद के इस पार हो या सरद के उस पार, ठहाके होंगे बेशुमार। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, आप लोगों को ठंड लग जाएगी, आप प्लीज अंदर आ जाइए। नहीं हम लोग ठीक है। जेठिया की कोई खबर आई? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। चाचा जी हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है अभी के अभी अपनी जान की परवाह किए बगैर जेठापना को छुड़वाने पाकिस्तान चला जाऊं। पर फिर ख्याल आता है कि मुश्किल घड़ी में इंसान के फैसले गलत नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए, तो मुश्किल घड़ी में इंसान आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है और उसी की फतेह होती है। देखिए हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुंबई वापस अपने घर चले जाएं। अरे अंकल लोग ऐसे मुंबई कैसे चले जाएंगे? देखिए देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। देखिए 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 चाचा जी आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जेठालाल कब तक वापस आ सकेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, इसमें कितना वक्त लगेगा ये हम भी नहीं बता सकते। आप लोगों का इस तरह यहाँ पर जेठालाल का इंतजार करना मुनासिब नहीं है। हाँ पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मोटे साहब टप्पू के पापा को लिए मगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी टप्पू भी पापा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ वरना जिंदगी भर यहीं रहेंगे। वेरी गुड पुत्र, बराबर कहा तूने। सर हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे वापस। देखो ये सही कह रहे हैं। चाचा जी सॉरी अय्यर। हाँ तुम दोनों सबको लेकर मुंबई घर वापस लौट जाओ। टप्पू बहू तुम लोग भी जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, जेठा के आने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। पर दादाजी ऐसे कैसे हम लोग चले जाए? नहीं मैं तो यहीं पर रहूंगा। पप्पू जी मुझे माफ करना, आज पहली बार आपकी बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन टप्पू के पापा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है सोनी अय्यर तुम सब लोग जाओ, मैं और बहू यहीं रुकते हैं। टप्पू तू भी जा। नहीं दादाजी टप्पू आपके साथ यहीं पर रहेगा।
देखो बेटा, हम फौजी हैं। तुम्हें पता है हम लोग यहाँ किस हालात में रहते हैं? मेरा एक बेटा है, 1 साल का, लेकिन मैं उससे पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूं। ये चौहान साहब, इनका 6 महीने का बेटा है, इन्होंने अब तक उसकी सिर्फ फोटो देखी। हमारे शर्मा जी, जिनकी बेटी अस्पताल में, वो उससे मिलने नहीं जा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा पहला फर्ज है हमारे देश की, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करना। बेटा, हम सब की जिंदगी एक जंग है और हमारा जीवन सिपाही की तरह है। दिल जो कहता है वो नहीं, वक्त और हालात जो कहते हैं वो करना चाहिए। बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके पापा को वापस लेकर आऊंगा। ठीक है मम्मी, अब जल्दी पापा को लेकर आ जाना। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं और बापूजी तुम्हारे पापा को लेकर जल्दी आएंगे। हाँ बेटा, तुम सब लोग जाओ। लेकिन चाचा जी। छोड़िए, तुम लोग हमारी फिक्र मत करो। अरे हम लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे जवान भाई है ना सब। भाभी, मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, पर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और चाचा जी, मुझे वाहेगुरु जी पे पूरा यकीन है, हम जेठा प्रा को बहुत जल्दी अपने गोकुलधाम में देखेंगे। त्या भाभी, चाचा जी, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखना, आशापुरा माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और त्या भाभी, आप टप्पू की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम सब लोग आपके साथ फोन पे टच में रहेंगे। बिल्कुल। देखिए सर, मेरे सेठ जी को एकदम सही सलामत और जल्द से जल्द घर वापस ले आना। चाचा जी, हमने इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, पहले वो इनको टेंट सिटी ले जाएगी, वहां से इनका सामान पिक करके इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देगी। चाचा जी, दया भाभी, हम लोग आपका सामान यहाँ पर भिजवा देते हैं। हाँ हाँ पिडू बोल। हाँ सोड़ी, क्या हुआ? नहीं यार, जेठापुरा अभी तक नहीं छूटा है, हम लोग गोकुलधाम वापस आ रहे हैं। चाचा जी और दया भाभी जी ऐसे ही रुक रहे हैं, बाकी हम लोग फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहे हैं। मैं वापस पहुँच के तुझे सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग आते एयरपोर्ट लेने के लिए। चल बाय। So, चाचा जी, चलते हैं। हाँ, हाँ। भाभी जी, कब जगह पर से जेठा प्रा जल्दी मिल जाएंगे। भाईजान, मैं क्या कह रहा था, मैंने सुना है कि मुंबई में बड़े ही लजीज किस्म के खाने मिलते हैं, जैसे रगड़ा पेटिस, भेल पूरी, वड़ा पाव, मसाला डोसा, और एक वो और चीज है, वो जाफड़ा जलेबी। देखिए भाईजान, जलेबी तो मुझे पता है, पर ये जाफड़ा क्या होता है? जाफड़ा नहीं, फाफड़ा बोलते हैं उसका, फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा? हाँ हाँ, तो ये फाफड़ा क्या होता है भाईजान? फाफड़ा हम गुजराती लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, तो ये बनता कैसे? चने के आटे से बनता है। वो क्या है कि चने के आटे को ऐसे एकदम कड़क गूंथ के फिर उसके ऐसे छोटे छोटे गावड़े बनाते हैं, और फिर वो गावड़े को ऐसे पाटले पे ऐसा हाथ से ऐसा ऐसा चप्पट ऐसा सीधा फुटपट्टी जैसा सीधा कर देते हैं लंबा, फिर वो चने की फुटपट्टी को ऐसे गरम तेल में तलते हैं, वो जो होता है फिर वो फाफड़ा होता है, वो फाफड़ा और जलेबी
फिर साथ में खाते हो नमकीन और मीठा, और उसके साथ में वो हरी मिर्च भी तल के नमक डाल के खाते हैं, और पपैया का संभरा भी होता है साथ में, वो भी खाते हैं। भाईजान ये तो सुनने में ही बड़ा लजीज लग रहा है। तो पूरी तरकीब मैंने समझ लिया फाफड़ा बनाने की। अब मैं जाके अपनी बेगम को सिखाऊंगा और उनसे कहूंगा फाफड़ा बना के खिलाओ हमको, मेरी बेगम बहुत लजीज खाने बनाती हैं। खाना तो मेरी बेगम भी बहुत बढ़िया बनाती है बेगम। अली मियां बड़े बेगम किस्म के इंसान है आप। क्या मतलब बेगैरत किस्म के इंसान है आप। मैंने क्या किया? अरे इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें गम से निकाला था और आपने बेगम का जिक्र करके वापस उन्हें गम में डाल दिया। लानत है भाई आप पर। माजर चाहते हैं भाई। क्या बताएं? मम्मी, दादाजी, टप्पू, टप्पू, छोड़े, आप लोग यहाँ, आप लोग गए नहीं? नहीं मम्मी, टप्पू तुम्हें और दादाजी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? इसलिए टप्पू आप लोग के साथ ही रहेगा। हाँ चाचा जी, मैं भी यहीं रहूंगा। अब तो हम वाहेगुरु जी की कृपा से जेठा भरा को लेकर एक साथ गोकुलधाम जाएंगे। जी खाना खा लो। खाना लीजिए। सॉरी सैनिक भाई, मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना। बेदी साहब, है तुसी ले लो, मेरा भी जी नहीं करता। बाजी जब से आप लोग आए हैं आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज खाना खा लीजिए। जब तक टप्पू के पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे जेठा मियां बिस्मिल्लाह कीजिए भाई। हैं? मतलब शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे क्यों? मुझे पूरा यकीन है मेरी दया ने भी खाना नहीं खाया होगा। खाना तो क्या उसने पानी तक नहीं पिया होगा। वो वहां भूखी हो तो मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ। जेठा मियां मान गए आपको, सलाम है। मम्मी चलो कुछ खा लो। दादाजी आप तो कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो। नहीं बेटा मुझे भी कुछ नहीं खाना। मम्मा प्लीज कुछ खा लो ना, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक बार कहा ना मुझे नहीं खाना है। ए,
यहाँ पर इंतजार करते रहने से टप्पू के पापा जल्दी नहीं आएंगे। वैसे सैनिक भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ? सपुरा माँ, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। माँ देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है। हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी। बापूजी, चलिए हम अभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली? हाँ। क्या बापूजी, याद है वो सैनिक भाई ने कहा था कि टप्पू के पापा के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय तक जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुद जाकर मंत्री भाई से बात करें और उनको कहेंगे कि टप्पू के पापा को जल्द से जल्द छुड़ाए। करेक्ट याद है पापी जी। हाँ बहू, तेरी बात सही है। यहाँ बड़े साहब तो अपनी तरफ से जेठा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी हमारी तरफ से जेठा को छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। चलिए बापू जी, हम अभी के अभी जाते हैं। हाँ दिया बापू जी, आओ चलते। अरे छोड़ी छोड़ी बहू, सुनो, अरे अभी आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कल सुबह बड़े साहब से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट कहा चाचा जी। वो दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है महेंद्र पाल सिंह, मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ, वो हमारी पूरी हर तरीके से मदद कर देगा। हाँ। महेंद्र पाल सिंह, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो एक तू दिल्ली में नहीं है? अच्छा, एक काम कर सकता है, कल गाड़ी का एक इंतजाम कर सकता है? ओ थैंक यू यार, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ कि कल गाड़ी कितने बजे चाहिए। चंगा, सत श्रीकाल। दया पापी जी, तुसी फिक्र ना करो, रब जी की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन जब मुसीबत बहुत बड़ी हो तो सहारा तिनके के रूप में नहीं चाहिए, सहारा बहुत बड़ा चाहिए। और इस वक्त एक बड़ा सहारा नजर आ रहा है दया भाभी को दिल्ली के रूप में, और वो उन्हें तिनका नहीं एक नाव नजर आ रही है जो शायद उन्हें मुसीबत के महाभवर से बाहर निकाल सके। दया भाभी एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति को मुसीबत में देख के कुछ भी कर सकती है, और इस वक्त उन्होंने फैसला किया है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में जाएंगी और गुहार लगाएंगी। दिल्ली जहां से देश चलता है, दिल्ली जहां सारे निर्णय होते हैं, लेकिन दया भाभी के लिए दिल्ली नौका साबित होती है या कागज की कश्ती, ये तो तभी पता चलेगा जब वो वहां पहुंचेंगी। और कल का सूरज जेठालाल की जिंदगी में क्या रोशनी लेके आएगा, ये सब देखना है तो आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और सोचिए दया भाभी दिल्ली जाके क्या करेंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।